हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो आज हम निकल गए हैं कन्याम और श्री अंतु की तरफ। सो आज हमारा जर्नी शुरू हो रहा है आपका दूधिया से। तो आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं मेरे दो दोस्त, एक है विजय शर्मा और दूसरा है भाईला। तो भाईला, आप एक्साइटेड हो जर्नी के लिए? और विजय? बहुत ज़्यादा। चलो गाइस, तो आगे मिलते हैं गाइस, बने रहिए मेरे वीडियो में। गाइस आप देख सकते हो व्यू, बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। आपको यहाँ से राइट टर्न लेना है, मतलब आपको मिरिक की तरफ जाना है। आप बोर्ड में देख सकते हो पशुपति फाटक, हम उसी तरफ जा रहे हैं। गाइस ये है आपका मिरिक लेक, बहुत ही बढ़िया लेक है। बहुत एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो के एंड में भी वो वीडियो का थंबनेल आ जाएगा, तो आप देख सकते हो वहाँ से भी। तो ये गाइस ये है आपका मिरिक बाज़ार और आप देख सकते हो ट्रैफिक। रास्ता खराब है, मतलब चला सकते हो, वैसा नहीं है कि चला ही नहीं सकते, वैसा भी नहीं, पर खराब है। देखो, देखा आपने? तो भाई संभल के चलाना। और मैं आपको फुल पशुपति फाटक से, मतलब बॉर्डर से जब हम अंदर घुसेंगे तो वहाँ से मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, अच्छे से गाइड करूंगा कौन से रास्ते से कहाँ से जाना है बोल के। तो वीडियो में बने रहिए भाई, चलो आगे मिलते हैं। तो गाइस हम पशुपति फाटक, मतलब पशुपति बॉर्डर पहुंच चुके हैं, पशुपति मार्केट। इंडिया बॉर्डर हमने क्रॉस किया, अभी हम नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और हमने नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। अभी हमें बंसार बनाना पड़ेगा, तो बंसार ऑफिस आगे हैं। तो गाइस आपको यहां से बंसार काटना है टू व्हीलर्स के लिए। गाइस नेपाल में ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं पशुपति बॉर्डर के थ्रू। बॉर्डर में अगर आप टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर लेके आते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा और क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। सो गाइस आपको ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से इंडिया बॉर्डर में रजिस्टर करना है और उसके बाद भंसार के लिए भी आपको सेम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप बुद्ध का स्टैचू देख सक रहे हो ऊपर में, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। सो गाइस अभी हम बुद्ध स्टैचू के वहाँ जा रहे हैं, आपको भी ले चलेंगे, चलो। सो गाइस अभी ये ब्रिज में जा रहे हैं हम। आप जो रूट से आ रहे हो वो रूट से आप जैसे फिकल पहुंचोगे तो वहीं से आपका एक लेफ्ट टर्न है। तो एक किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद मतलब श्री अंतु की तरफ हम बढ़ेंगे। तो रास्ते में बहुत सारे बंदों को पूछा और सब बहुत हेल्पफुल थे, सब ने हमें राइट डायरेक्शन दिखाया, तो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो फिकल से आकर लेफ्ट लेकर ये डाउन जाना है, ये डाउन थोड़ा यहाँ पे देखोगे तो लिखा है वे टू श्री अंतु टूरिज्म एरिया। अब यहाँ से आपका श्री अंतु का सफ़र शुरू होता है।
बहुत ही सुंदर गांव है, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है, जैसे होता है ना शहर से बहुत ही दूर। तो गाइस यहाँ पे सिद्धिखोला ब्रिज, यहाँ पे हमारा बंसार चेक होगा, यहाँ पे आपको बंसार दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर आने के बाद आपका रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। अंतु दाड़ा येता है, अंतु येता, अंतु झील 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 कति टाड़ो से यहाँ बड़ा देख लो। थैंक यू भाई। तो गाइज आपको यहाँ ये चौक से आपको राइट की तरफ देना है, राइट 2 किलोमीटर आप अंतु दाड़ा और अंतु झील पहुँच जाओगे। आपको यहाँ से राइट लेना है, राइट भाई अंतु दाड़ा। मैंने कहा था ना यहाँ से राइट लेना है, व्यू पॉइंट पहुँचने से पहले ऐसा दिखता है। तो अंतु दाड़ा हम पहुँचने वाले हैं गाइस, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है, आपकी इंतज़ार की घड़ी। अंतु दाड़ा पहुँचने से पहले एक फुटबॉल ग्राउंड आता है, आपको संभल कर चलाना है। आप बाइक यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ से आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, ठीक है, बाइक को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। थोड़ा मन ना जाने गाइस। अभी हम अंतु दाड़ा व्यू पॉइंट की तरफ चल के जा रहे हैं। पहला हम लोग पहुंच के रहेंगे, ठीक है ना, तू हार मत माना। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश? लो सर, लो सर, हाउ इज द जोश? लो सर, पर हम हार नहीं मानेंगे। नीचे से 30 मिनट से भी ज़्यादा का हाइकिंग है, सो थोड़े थक गए हैं पर पहुंच के रहेंगे, ठीक है गाइस। तो आगे व्यू पॉइंट में मिलते हैं, गेट तक पहुंच गए हैं, अब वही है। बस यहाँ से ऊपर जाओगे तो व्यू पॉइंट दिखेगा, ऊपर चलते हैं। तो गाइस ऊपर से कुछ ऐसा है व्यू, गाइज हम अभी अंतु दाड़ा से वापस रिटर्न कर रहे हैं और अभी हम जाएंगे अंतु पोखरी, मतलब लेक साइड। तो अभी आपको लेके चलते हैं, ये आपका अंतु पोखरी और हम यहाँ से अंदर जाएंगे। हम ये अंतु पोखरी पहुंच गए हैं। सो गाइस झील है उस तरफ, गलत डायरेक्शन में फिर से चले गए मेरा दोस्त भाईला, बहुत ही गुस्से में।
सो गाइस लेक का व्यू तो बहुत ही मस्त है, आप देख सकते हो। So guys, बहुत ही अच्छा प्लेस है फ्रेंड्स फैमिली के साथ चिल करने के लिए। बोटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, मतलब श्री अंतु लेक बहुत ही अच्छा जगह लगा मेरे को। तो गाइस अभी हम कन्याम की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कन्याम में कितना टाइम लगेगा कन्याम जाने में। अगर आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको मैं कन्याम भी लेके चलूँगा, ठीक है। चलो गाइस सी यू अहेड। गाइस वी हैव रीच कन्याम, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा टी गार्डन है। इलाम है आपका डिस्ट्रिक्ट और कन्याम यहाँ पे एक जगह है जो इलाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कन्याम इज सराउंडेड बाय टी गार्डन। तो ये है आपका गाइस कन्याम विच इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। सो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होता है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सनसेट होने वाला है अभी। और इसके ऊपर में है आपका कन्याम व्यू पॉइंट। आपको अभी मैं ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ, ड्रोन शॉट्स इन 1 2 3। बाय बाय कन्याम। एक्चुअली गाइस टाइम रिस्ट्रिक्शन के कारण हमें जल्दी जल्दी वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि हमें बॉर्डर क्रॉस करना है 8 बजे, मतलब 8 बजे से पहले काकरीबिता बॉर्डर। और ये भी बज रहा है आपका 6। सनसेट ने तो मेरा दिल जीत लिया भाई, वाह। वाइला कैसा है एक्सपीरियंस अभी तक? थक गया पूरा। हाँ बहुत मजा है। हीरो कौन है? हीरो लाला मुतरे। यहाँ पे है विजय और यहाँ पे है जिग्मी भुटिया। तो बने रहे गाइस मेरे वीडियो में। हेलो गाइस।